कि मैंने लिया है। सो गाइस, ये हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है, लगता है चाइनीज है यार, शिट क्या करे, अमेजोन पे यही दिखा और ये हमने मंगाया है। ये आप देख रहे हो, इसमें टाइमिंग भी है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसमें टाइमिंग भी आता है, ये एक्चुअली अपने बाइक को इंस्टॉल करना है। ये है सिगरेट लाइटर, इससे सिगरेट जलाया जाता है। क्वालिटी ओके ओके, इतना बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है थोड़ा स्ट्रॉन्ग। और अभी इसमें ऑन ऑफ का भी बटन है, प्लस यहाँ पे USB दिया हुआ है आपके मोबाइल चार्ज करने के लिए। सो इसको चलेंगे, फिट कराएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये लाइटर मैंने क्यों लिया, सिगरेट लाइटर, लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लिया है, सॉरी आपकी गलतफहमी है, ये प्रोडक्ट हमने लिया है, उसका रीज़न बताते हैं आपको। उसका रीज़न है ये प्रोडक्ट, इसके वजह से हमें वो लेना पड़ा। तो ये भी खोल के दिखा दे, एक्चुअली सब अनबॉक्सिंग करके रखा है मैंने, बट क्या हुआ कि टाइम नहीं मिला लगाने का, और ये सब अमेजोन से हमने मंगा के रखा था, निकल जा खुल जा सिम सिम। तो ये देखिए, ये है वो रीज़न। ये टायर इन्फ्लेटर है, जिसमें मैं आपको एक बार खोल के ही दिखा देता हूँ पूरा। चल भाई खुल जा सिम सिम। क्या है ना, अभी बाबा 40 चोर का वो है ना, जल्दी खुलता नहीं है, निकल जाओ। तो ओह देखा, कैचर, ये है वो चीज़, ये प्रोडक्ट है जिसके वजह से हमने सिगरेट लाइटर लिया है। ओ सॉरी उल्टा दिखा रहा हूँ, ये है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया है। ये देखिए, अभी एक्चुअली उसको चालू करने के लिए हमें सिगरेट लाइटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये है, इसको बाहर निकाला हमने, और ये है जो इसके अंदर लगेगा यूं, और ये टायर इन्फ्लेटर के अंदर लगेगा। तो क्या होगा कि हमारा टायर कहीं भी पंचर हुआ, जैसे आपको पता है हमने ट्यूबलेस कर लिया है, तो कहीं भी पंचर हुआ तो हम इसको लगा के अपना टायर भरा के फिर हम पंचर वाले पास पहुंच सकते हैं, बट भगवान करे पंचर ना हो, टायर भी नया है सब कुछ। तो चलते हैं अभी इसको इंस्टॉल कराते हैं, गैरेज के वाले के पास चलते हैं और फिट कराते हैं, क्योंकि ये हमें फिट करने आता नहीं है, तो इसको लगवाएंगे, फिर ये अपने साथ में कैरी करेंगे जहाँ भी कभी फ्यूचर में कुछ। और वैसे आपको बताऊँ तो मैंने अभी तक मंगा के मुझे करीब एक महीना हो गया, मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं दिखाई, चालू है कि बंद है प्रोडक्ट, अब तो वो अमेजोन वाला भी वापस नहीं लेगा, बोले इतने में एक महीने के बाद आप कर रहे हो। खैर चलो मैसेज देखते हैं, लेट्स गो। सो अभी आए हम हसन के पास, ये देखो अपना ये इसका फिटिंग कराने के लिए चालू है, वो भी कंफ्यूज है कहाँ लगाऊँ, लास्ट में सोचा कि मिरर की तरफ एडजस्ट करते हैं, देखते हैं अभी कहाँ होता है, ट्राई कर रहे हैं, ये सब देखना है ना कि कोई निकाल ना ले, रिस्क ना रहे। तो अभी डिसाइड किया, फाइनली हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, कर रहे मिरर में, बस यही एक हो कि कोई उंगली ना करे। ये इसको भी हमने यहाँ फिट किया और टाइम वगैरह भी इसका सेट कर दिया, यहाँ रहेगा, यहाँ पे अपना इन्फ्लेटर का वो आएगा, और अभी खाली वायरिंग फिट करना बाकी है। और इसका देखेंगे हम, इन्फ्लेटर भी लेके आया हूँ मैं साथ में, अरे बंद है थोड़ा सा, जाके दिखाता हूँ आपको, चेक करेंगे कि वो चल रहा है, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया था, मालूम है ऐसा, मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया कि वो चालू है कि नहीं, दो महीना एक महीने से आके पड़ा हुआ है, चेक करना तो चाहिए ना सर। और ये हसन के बारे में बताऊँ, ये भाई बुलेट का स्पेशलिस्ट है, एक्चुअली ये बुलेट में भी काम कर चुका है, इसके लिए मुझे ना अपनी गाड़ी यहाँ पे देने में कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि भाई अपने को मालूम है हसन वाला एक्सपर्ट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो नॉन लोकल में मैं देता नहीं हूँ फिर जल्दी। ये अभी इसको आगे से फिटिंग देंगे, तो भाई ये फिट हो गया, ये मैं देख रहा हूँ, ये बटन है, ये डायरेक्ट स्विच से ही है, स्विच चालू किया बटन चालू हुआ, ये अंदर की है, हाँ ये फ्रेश हुआ है अभी, ये तो टेम्परेचर ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, अभी मैं आपको गर्म होता हुआ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है गर्म हो गया, ये खुद से बाहर फेंकना चाहिए ना, कार में तो फेंकता है, तो फेंकेगा ना अभी, वही देख रहा हूँ फटाफट। हाँ ये क्या देखो, अपने आप बाहर फेंका, और ये देखिए कितना हीट हो गया, ठीक है देखा, स्मोक आ रहा है पूरा, ये देखो धुआं, और इसको वापस ये जैसे बंद करेंगे तो बंद, पहले किया बंद, और ये अपना टाइम भी फिट हो गया, अभी जरा इन्फ्लेटर डालते और देखते हैं। ये फुटबॉल का तो इसको अभी रखते ही साइड में, अभी ये टायर इन्फ्लेटर हम लगा के देख रहे हैं,
हवा का पूरा प्रेशर चेक कर रहे हैं चालू है कि नहीं। ये इसमें आएगा ना, ये बैटरी का भी दिया हुआ है इसमें, ये बैटरी में लगा के डायरेक्ट कनेक्ट है ना। हाँ ये वायर पूरा बड़ा है, ये आगे से पूरा पीछे आना चाहिए ना। ये अपने इसका लगता है डायरेक्ट, ये इसमें कनेक्ट होगा, ये इसमें लगेगा ना। ये चालू छोड़ दीजिए, नहीं बंद किया था ना चाबी, तभी किया था ना अपने गरम पूरा चाबी, चाबी चाबी पीछे रखा है इसमें। चलो चालू ही है क्या पहले से हवा आ रहा है ना, हवा ये करके देखेगा थोड़ा निकाल के क्या कर रहे ठंडा कर रहे उसको। हाँ भाई हवा भरने वाला है। हाँ टॉर्च भी दिया है क्या, रात में कभी कुछ हुआ तो इनकेस के लिए। ये अभी चेक कर रहे हैं हम लोग थोड़ा एयर प्रेशर। अच्छा इसमें वो भी दिखाता ना, प्रेशर भी दिखाएगा ना जैसा टाइट करना है। 25.5 कितना अभी 25.5 है, ये चालू हो गया। हाँ भर रहे क्या वो भरा ना, कितना 30 हुआ ना देखो 25 था ना। अच्छा मैं ध्यान नहीं दे रहा वापस 25 हो गया। हाँ तो कम क्यों हो रहा है, तो अपना नोजल लूज हो रहा है ना, तो उसे एयर लीकेज हो जाएगा ये भी भर रहा है। तो कितना रहना, कितना चाहिए 25 ही रहना चाहिए। तो गाइस अभी हमारा वो भी फिट हो गया जैसे आपने देखा, ये भी फिट हो गया है अपना, और टायर इन्फ्लेटर भी हमने चेक कर लिया है काम कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या करना है, आप लोग भी कभी कुछ लेते हो तुरंत चेक कर लिया करो, और मेरे पास टाइम नहीं था मैंने चेक नहीं कर पाया, तो अभी चेक किया मगर काम कर रहा है, हवा भी भर रहा है, चलो अच्छा है। अभी इसको हमेशा हम अपने टॉप बॉक्स में रखेंगे ताकि कहीं भी जा रहे हैं इमरजेंसी में कभी हवा या पंचर कुछ भी हुआ तो कहीं भी पहुँच तो सके थोड़ा हवा भर के। अभी थोड़ा गाड़ी को वॉश कराना है, चलते इसके बाद वॉश कराते। गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी थोड़ा धुला रहे हैं अभी। तो ये भी चमक जाएगी अभी।